शुरू से मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या बनना चाहता। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरुपति मन भावन। प्रिपरेशन तो उस भूमिका में बहुत लगी थी, और वो प्रिपरेशन जो थी वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल प्रिपरेशन थी। बिकॉज एक इंसान, एक नॉर्मल सा इंसान, मेरे जैसा एक इंसान, उसको भगवान बनना था। एक ऐसा भगवान बनना था जो इंसानों की तरह बिहेव करता था, लेकिन उसमें क्वालिटीज भगवान की थी। तो एट टाइम्स राम जो थे वो भगवान की तरह बिहेव करते थे, एट टाइम्स वो इंसान बन जाते थे, बिल्कुल इंसान की तरह रोते भी थे, एट टाइम्स वो उस तरह की फीलिंग्स देते थे कि लुक मैं भगवान हूं, मुझे सब पता है। एक टाइम पे वो ऐसी फीलिंग देते थे कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूं। तो एक बड़ा मिला जुला सा कॉम्प्लेक्स सा एक वो था वो कैरेक्टर। उसे करने में मेहनत तो लगी थी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन वो मेहनत सफल हो गई थी जब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। साइंस और आर्ट्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कभी भी। एक्टिंग हैज गॉट नथिंग टू डू विद आइदर आर्ट्स और साइंस। एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि जो इंसान का अपना करने का मन होता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से क्यों ना आया हो, लेकिन अगर परफॉर्म करने का मन होता है तो होता है। उससे साइंस और आर्ट्स का मेरे हिसाब से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल शुरू से मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था, मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग में स्टेज पे करता रहा। मैंने फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब मैं था मेरठ में, तब से मैंने परफॉर्मेंस करनी शुरू की थी स्टेज पे। तो स्कूल फिर कॉलेज में हर साल एनुअल फंक्शन में कोई ना कोई प्ले मैं ज़रूर करता था। तो एक शौक था, पर ऐसा कुछ नहीं मैंने सोचा था कि मैं प्रोफेशनली कभी फिल्मों में या टेलीविज़न तो खरीदने में होता नहीं था कि कभी फिल्मों में काम करूँगा। तो मैं, जैसे कि आपने खुद कहा, मैं बम्बई गया था बिजनेस के लिए, पर वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे उसमें थोड़े दिन बाद मज़ा आना बंद हो गया था। आई वॉज नॉट इन्जॉइंग, तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, या मुझे कुछ और काम करना चाहिए जिसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगे। तो तब मैंने ये सोचा था कि मैं वाई नॉट फिल्म, तब मैंने फिल्मों में जाने की बात सोची।